अरे आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। आज तो कोई काम करने के लिए भी नहीं है। मिसेस शर्मा कौन है? अंदर आ जाओ। मिसेस शर्मा मैं हूँ। अरे नैना तुम आओ बैठो। जी मिसेस शर्मा। और नैना तुम कैसी हो? मिसेस शर्मा मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? बस मैं भी ठीक ही हूँ। तुम चाय पानी कुछ लोगी? नहीं अभी तो कुछ नहीं लूंगी। अच्छा क्या तुम यहाँ पे किसी जरूरी काम से आई थी? मिसिस शर्मा मैं तो बस ये कहने आई थी, अगर आपके पास कोई सूट या कोई ब्लाउज हो या और कुछ अगर आपको सिलवाना हो तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं सिल लेती हूँ। चाहे आप मुझे दे के देख भी सकती हैं। दरअसल मैंने घर पे भी सिलाई करना शुरू कर दिया, खाली टाइम में मैं सिल लेती हूँ। अच्छा तो ये बात है। वैसे मैं ज्यादा सूट और साड़ी तो पहनती नहीं हूँ, पर जैसे कि शादी हो गई तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ, और किसी के यहाँ पे पूजा हो गई तो मैं सूट पहन लेती हूँ। और वैसे भी मुझे सूट और साड़ी में कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है, पर अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है सिलवाने के लिए। अगर मेरे पास होगा तो मैं देखूंगी, अगर मेरे पास होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तो अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। और हाँ एक चीज का ध्यान रखना है सिलते वक्त, कि मेरे सारे कपड़े ब्रांडेड होते हैं। शर्मा जी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, आप चिंता ना कीजिए। हाँ ना ही मिले, तुम्हें पता है जो साथ वाला गली वाला टेलर है ना, मैंने उसे अपना एक डिजाइनर ब्लाउज और एक अपना सूट दिया था। उसने तो मेरे डिजाइनर ब्लाउज का नास ही मार दिया। उसका कपड़ा कितना अच्छा था और उतना ही महंगा था। और तुम्हें पता है मेरा सूट 550 रुपये का था, और मैंने भी उसे एक फुट कोड ही नहीं दी। ओहो तुम्हें पता है मेरे सूट की सिलाई सी 350 रुपये और मेरे ब्लाउज की सिलाई थी 250 रुपये। मैंने भी उसे एक फूडी कौड़ी ही नहीं दी और अपना सूट और ब्लाउज वापस ले आई। ओ मिसेस शर्मा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ब्लाउज और सूट बड़ी ध्यान से सिलूंगी। हाँ वो तो तुम्हें सिलना ही पड़ेगा, तुम्हें तो पता ही है पैसों की बात नहीं है, मुझे बस काम अच्छा चाहिए। और तुम्हें तो पता ही है मेरे ब्लाउज और सूट जी जी ब्रांडेड होते हैं। क्या बात! अच्छा तुम सूट सिलने के पैसे कितने लेती हो? पहले आप मेरा काम देख लीजिएगा, फिर अगर आपको पसंद आया तो जितने पैसे आप टेलर को दे दी थी आप उतने पैसे दे दीजिएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो आप अपनी मर्जी से दे दीजिएगा। अच्छा मैं अपने एक सूट का कपड़ा लेकर आती हूँ, तुम यही बैठो मैं अभी आती हूँ। जी मिसेस शर्मा। मिसेस शर्मा कितनी अच्छी है, उन्होंने मुझे अपना एक सूट सिलने के लिए दे दिया। अब तो पैसे आ ही जाएंगे और मेरे घर की हालत सुधर ही जाएगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं इसे क्या दूं। अरे हाँ जो मैंने मंगल बाजार से जो सूट खरीदा था वही दे देती हूँ, इसे कोई महंगा सूट देना ठीक नहीं है। मैं आ गई, ये रहा मेरा एक कपड़ा। नैना मेरा ये कपड़ा बहुत महंगा है, तुम्हें इसे ध्यान से सिलना होगा। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे बहुत ही ध्यान से सिलूंगी। हाँ वो तो तुम्हें सिलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा कपड़ा नहीं है मंगल बाजार का, और ये ऐसा वैसा कपड़ा नहीं है कि तुम इसे ऐसे सिल दो। तुम्हें तो पता ही होगा मेरे सारे कपड़े जी जी ब्रांडेड होते हैं। हाँ ये हुई ना बात। इसका सूट सिलना है या ब्लाउज? इसका सूट सिलना है। हाँ और तुम इसमें इस महंगी महंगी लेस भी लगा देना। तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेस के पैसे दे दूंगी। और तुम इसमें महंगी महंगी सुंदर सुंदर लेस लगा देना। जी ठीक है मैं लगा दूंगी, तो फिर ले लो। थैंक यू मिसेस शर्मा जी। और हाँ तुम मेरा लहंगा बहुत ही ध्यान से सिलना। हाँ मिसेस शर्मा जी मैं आपके लहंगे का बहुत ही ध्यान रखूंगी। और हाँ मेरे लहंगे में लेस और बाकी डेकोरेटेड सामान महंगे से महंगा लगाना, मुझे सस्ता सामान बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। जी जी मैं आपके लहंगे का बहुत ध्यान रखूंगी। अच्छा मिसेस शर्मा जी मैं चलती हूँ अब। हाँ ठीक है। बच्चों आगे की कहानी देखने के लिए पार्ट 2 देखना ना भूलें।